नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 12th की हिंदी। और क्लास 12th की हिंदी में, जैसे कि आप सभी को पता है, आपकी पाठ्य पुस्तिका आरोह जो है उसका चैप्टर 5 हम पढ़ रहे हैं, जो एक कविता है जिसका नाम है सहर्ष स्वीकारा है और जिसके कवि है गजानन माधव मुक्तिबोध जी। तो मुक्तिबोध जी के द्वारा लिखी गई जो ये कविता है, इसको हम अपने पिछले सेशन में स्टार्ट कर चुके हैं। कविता का जो कुछ भाग है वो हमारा शेष रह गया था पिछले सेशन में, तो आज हम उसे कंप्लीट करेंगे और पाठ से जुड़े हुए प्रश्नोत्तर जो है उसको भी हम करेंगे। तो आप सभी को याद होगा कि हमने क्या पढ़ा था अपने पिछले सेशन में, क्या माधव मुक्तिबोध जी इसमें हमें बताना चाहते हैं, इस कविता के द्वारा हमें क्या शिक्षा देना चाहते हैं और अपने जीवन के बारे में क्या क्या चीजें हमें बता रहे हैं। तो इस कविता को एक बार रिवाइज करेंगे और फिर जो नया हमारा पैराग्राफ जो छूट गया था, शेष रह गया था, उसको हम पढ़ेंगे, उसका भावार्थ जानेंगे और फिर हम पाठ से जुड़े हुए प्रश्नोत्तर करेंगे। तो सभी बच्चे, अगर आप चाहो तो आप अपनी कॉपी पेन पेंसिल आप अपने साथ लेकर बैठ सकते हैं, क्योंकि जब हम प्रश्नोत्तर करेंगे तो आप साथ के साथ सभी प्रश्नों के उत्तर लिख सकते हैं। क्योंकि अगर आपको बहुत अच्छे से सारांश भावार्थ समझ में आ गया तो तब तो आप स्वयं से लिख सकते हैं, लेकिन कुछ चीजें होती हैं जो आपको समझ नहीं आएंगी तो उनको आप, जब मैं आपको बताऊंगी तब आप उनको लिख सकते हैं। तो चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ, शुरू करते हैं आज का सेशन। से पहले हमने अपने पिछले सेशन में माधव मुक्तिबोध जी का जीवन परिचय पढ़ा था और उसके बाद हमने कविता शुरू की थी। हमने इसमें जाना था कि मुक्तिबोध जी क्या कह रहे हैं अपने जीवन के बारे में, कि जिंदगी में जो कुछ भी है वो सहर्ष स्वीकारा है, अर्थात जो कुछ भी उनके जीवन में है वो उन्होंने सहर्ष अर्थात खुशी खुशी स्वीकार किया है, चाहे वो उनकी गरीबी ही क्यों ना हो। वो कहते हैं, ये जो मेरी जो ये गरीबी है इस पर भी मुझे अभिमान है। गर्बीली गरीबी, ये जो शब्द यहाँ पर लिखा है, उन्होंने कहा था कि मुझे अपनी इस गरीबी जो है उस पर भी अनुभव एक गर्व है, क्योंकि तुम मेरे साथ चाहे सुख हो मेरे जीवन में, चाहे दुख हो, चाहे मेरे जीवन में कोई भी परिस्थिति आ जाए, तुम हमेशा मेरे साथ हो, हर स्थिति में मेरे साथ हो, ऐसा मुक्तिबोधन जी इस कविता में अपनी प्रेयसी से कह रहे हैं। और मैंने एक चीज आपको बताई थी कि इस कविता में जो उनकी प्रेयसी है अर्थात प्रेरणा स्रोत है वो अज्ञात है, को या तो वह उनकी माता हो सकती है, या उनकी बहन हो सकती है, या उनकी पत्नी या प्रेमिका हो सकती है। तो यहाँ पर मुक्तिबोध जी कहते हैं कि हर परिस्थिति में जब तुम मेरे साथ हो तो मुझे ये गरीबी भी गर्व महसूस कराती है और मेरे जो विचार है, विचारों का जो वैभव मेरे पास है, इनमें भी दृढ़ता आ गई है और मेरे अंदर की जो सरिता है अर्थात प्रेम की जो नदी मेरे अंदर है वह भी मौलिक है, और इसीलिए हर पल में जो कुछ भी जागृत है अर्थात मेरे अंदर जो कुछ भी है, जो कुछ भी चल रहा है, वो सब तुम्हारा ही संवेदन है, वह सब तुम्हारी ही प्रेरणा है। तो इस तरह मुक्तिबोधन जी ने अपनी इन कविता की प्रथम कुछ पंक्तियों में बताया था। और फिर उन्होंने कहा था कि जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, जितना भी उड़ेलता हूं फिर भर भर आता है, अर्थात मैं जितना भी प्रेम प्रेम की वर्षा करता हूँ, जितना भी मैं प्रेम लुटाता हूँ, तो उतना ही मेरे पास जो ये प्रेम है ये आता जाता है और मेरा दिल कभी भी इससे खाली नहीं होता है। ये एक मीठे पानी के स्रोत की तरह है जो हमेशा हमेशा बना रहता है। और कवि कहते हैं, भीतर वह ऊपर तुम मुस्काता चांद जो धरती पर रात भर मुझ पर क्यों तुम्हारा ही खिलता चेहरा है। जिस तरह धरती को चांद रोशन करता है रात्रि के समय, इसी तरह मेरे जीवन को
तुमने तुम्हारे जो मुस्काते हुए चेहरा, तुम्हारा मुस्कुराता हुआ जो चेहरा है, वो मेरे जीवन में उजाला लेकर आता है, जिस तरह एक चंद्रमा रात्रि के समय पूरी धरती में रोशनी कर देता है, पूरी धरती को उजागर कर देता है। तो यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि जिस तरह चांद की चांदनी रात भर धरती को रोशनी और शीतलता प्रदान करती है, ठीक उसी प्रकार उनके प्रिय का मुस्काता चेहरा जो है वो उन्हें खुशी प्रदान करता है, आनंद प्रदान करता है। इतनी सारी बातें कहने के बाद, बहुत सारी बातें करने के बाद, कवि अंत में कह रहे हैं कि सचमुच मुझे दंड दो कि भूलू मैं, भूलू मैं। लेकिन वो, क्योंकि वो बहुत ज्यादा अपनी प्रेयसी के प्रेम में डूब चुके हैं, उनके ही आदी हो गए हैं, उनको आदत पड़ गई है अपनी हर काम में, अपनी जो प्रेय हर चीज में अपनी प्रेयसी का साथ होना, तो वो कहते हैं कि मैं अब भूल जाना चाहता हूं, अर्थात तुम मुझे दंड दो कि मैं तुम्हें भूल जाऊं। तो यहाँ पर जो कुछ पहली जो यहाँ पर पंक्तियां हैं, इसमें इसका काव्य सौंदर्य यहाँ पर दिया गया है कि जिंदगी में जो कुछ है सहर्ष स्वीकारा है। तो यहाँ पर भाषा साहित्य की खड़ी बोली इन्होंने लिखी है, और गर्बीली गरीबी विचार वैभव मौलिक है, मौलिक है। ये जो शब्द है यहाँ पर मुक्त छंद अनुप्रास अलंकार है। सबसे पहले आप ये देखेंगे, इसको आप लिख सकते हैं, क्योंकि कई बार इस तरह से पंक्ति आती है और आपको कहा जाता है कि इसमें कौन सा अलंकार है। तो जैसे गर्बीली गरीबी विचार वैभव मौलिक है, मौलिक है, इन सभी में अनुप्रास अलंकार है, और साथ ही मुक्तक छंद का प्रयोग भी किया गया है। और विचार वैभव सब भीतर की सरिता में रूपक अलंकार है, और पल पल में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, और कविता में श्रृंगार रस है। तो ये सारी चीजें आप यहाँ पर लिखेंगे, अपनी कॉपी में आप इसको लिख सकते हैं। इस कविता में यहाँ पर श्रृंगार रस है, ठीक है, और इसमें और गर्बीली गरीबी और विचार वैभव, इसमें आपका अनुप्रास अलंकार है, और भीतर की सरिता जो शब्द है इसमें रूपक अलंकार है। आगे बढ़ेंगे, आगे की जो यहाँ पर कुछ पंक्तियां दी गई हैं, यहाँ पे कहा है कि जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, मैं संदेह अलंकार है। आपको अलंकार भी मैं पढ़ाऊंगी, आपको समास भी मैं पढ़ाऊंगी, आपको संधि भी मैं पढ़ाऊंगी, आपको वाच्य भी मैं, अर्थात हम अपने इस चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद हम एक बार थोड़ा थोड़ा हिंदी व्याकरण की चीजों को भी रिवाइज करेंगे, ताकि क्योंकि हम ये सारी चीजें अपने 9th क्लास तक पढ़ते हैं और उसके बाद एकदम से छोड़ देते हैं, तो हम बहुत सारी चीजें हम यहाँ पर याद नहीं कर पाते कि कौन सा अलंकार यहाँ पर प्रयोग किया होगा, या कौन सा अलंकार यहाँ पर दिया है, कौन सा रस यहाँ पर है, या कौन सी संधि यहाँ पर प्रयोग की गई है। तो एक हम ऐसा सेशन लेंगे जिसमें मैं आपको व्याकरण की सारी ये जो छोटी 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 इकाइयां हैं, और लेकिन महत्वपूर्ण इकाइयां हैं, इनको हम फटाफट से एक बार एक दिन रिवाइज कर लेंगे। अगर आप अपनी परेशानियां मुझे बता सकते हैं, अपनी समस्याएं मुझे बता सकते हैं चैट के माध्यम से, कि आपको किस चीज में परेशानी है, व्याकरण के किस खंड में परेशानी है, या हिंदी के कौन से पाठ में क्या दिक्कत है, तो मैं आपकी सभी समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करूंगी। तो जिस तरह यहाँ पर मैंने आपको बताया कि जितना भी उड़ेलता हूं फिर भर आता है, यहाँ पर जो पंक्ति है इसमें विरोधाभास अलंकार है, दिल में क्या झरना है इसमें प्रश्न अलंकार है, और मुस्काता जो चांद धरती पर रात भर में उत्प्रेक्षा अलंकार है, ठीक है। तो इस तरह हर एक पंक्ति के बारे में यहाँ पर मैंने आपको बताया है, और एक जो एक
शब्द यहाँ पर प्रयोग किया गया है भर भर, अर्थात जितना भी उड़ेलता हूं भर भर फिर आता है। इसमें दो बार भर भर शब्द का प्रयोग हुआ है, तो ये पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कवि अभी तक कह रहे थे कि वो उनके जीवन में जो कुछ भी है वो सहर्ष स्वीकारते हैं, क्योंकि उनके साथ हमेशा इन सब चीजों में उनकी जो प्रेरणा स्रोत है, उनकी जो प्रेयसी है, वो हमेशा ही उनके साथ है। क्योंकि यहाँ पर जो लेखक है, जो कवि है, उनकी जो प्रेयसी है, उनका निधन हो चुका है, तो अब वो कहते हैं कि मैं तुम्हें भूल जाना चाहता हूं। तो वो कहते हैं मुझे सचमुच दंड दो, सचमुच मुझे दंड दो कि भूलू मैं भूलू मैं। और अब वो भूल जाना चाहते हैं अपनी प्रेयसी को, अपनी प्रेरणा स्रोत को। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं कि शरीर पर चेहरे पर अंतर मन में पालू मैं, झेलू मैं, उसी में नहालू मैं। क्योंकि वो देखते हैं कि वो हर समय उन्हीं के प्रेम में डूबे रहते हैं, उन्हीं की यादों में खोए रहते हैं, तो इसीलिए वो अब इन सबको छोड़कर दूर जाना चाहते हैं। उन्हें अपना जो भविष्य है वो अंधकारमय लगने लगता है। वो कहते हैं कि मैं अब किसी दक्षिणी ध्रुव की जो अंधकारमयी अमावस्या है, अर्थात मैं इस तरह के अमावस्या अंधकार की जो अमावस्या होती है वहां पर मैं गुम हो जाना चाहता हूँ, और अपने शरीर पर, अपने चेहरे पर, अपने अंतर मन में उस अंधकार को भर लेना चाहता हूँ, उसे झेलना चाहता हूँ और उसी में नहा लेना चाहता हूँ। इसीलिए मैं कि तुमसे परिवेष्टित आच्छादित, कवि यहाँ पर कहते हैं कि अपना जो पूरी पूरा कवि का जो पूरा व्यक्तित्व है वो पूरी तरीके से अपने प्रिय के प्रेम से प्रभावित है, अर्थात उनको चारों तरफ से घेरा हुआ है उनकी यादों ने, तो रहने का ये रमणीय उजेला अब सहा नहीं जाता। वो कहते हैं कि जो तुम्हारी ये जो तुम्हारा जो ये प्रकाश है, अब मैं उससे बाहर निकलना चाहता हूँ, इस प्रभाव से बाहर निकलना चाहता हूँ और अपने खुद का अस्तित्व खोजने के लिए कि मैं क्या हूँ, मैं अपने खुद का अस्तित्व खोजने के लिए तुम्हें भूल जाना चाहता हूँ। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि हे प्रिय, मुझे सजा दो कि मैं तुम्हें भूल जाऊं, ये मेरे लिए कठिन होगा लेकिन फिर भी तुम मुझे सजा दो। और वो कहते हैं कि मैं तुम्हारी यादों को भूल जाना चाहता हूँ और दक्षिणी ध्रुव की काली रात की जो अंधकार, या फिर अमावस्या की जो काली अंधेरी रात है, उस अंधकार में खो जाना चाहता हूँ और तुम्हारे भूलने की पीड़ा को अपने तन मन चेहरे आत्मा में महसूस करना चाहता हूँ। और यहाँ पर कवि आगे कहते हैं कि मैं पूरी तरह से तुम्हारी प्रेम की छाया से घिरा हुआ हूँ, तुम्हारे प्रेम की छाया छाँव हर पल मेरे ऊपर है, चारों तरफ से घिरी रहती है, लेकिन मुझे अब तुम्हारे प्रेम का ये उजाला सहन नहीं होता है, नहीं सहा जाता है, और अब मैं कल्पना लोक से बाहर निकलकर धरातल पर जीना चाहता हूँ और स्वयं का अस्तित्व ढूंढना चाहता हूँ, अपने आप को ढूंढना चाहता हूँ। और अब मुझसे ये जो आत्मीयता है, अर्थात जो ये मुझे मेरे भविष्य का डर सताता है, कभी कहते हैं कि इस बात से उनकी छाती छटपटा जाती है कि उनका भविष्य क्या होगा, उनको अपना पूरा भविष्य कमजोर अक्षम, उनकी आत्मा कमजोर और अक्षम हो गई है, तो उनको अपना पूरा भविष्य जो है वो अंधकारमय प्रतीत होता है। वो कहते हैं कि मुझे ये बहलाती सहलाती आत्मीयता जो है वो अब बर्दाश्त नहीं होती, और वो फिर से कहते हैं कि सचमुच मुझे दंड दो कि मैं कहीं गुम हो जाऊं पाताली गुहाओं में और धुएं के बादलों में बिल्कुल लापता हो जाऊं, यानी कि मैं बिल्कुल खो जाना चाहता हूं किसी अंधकार वाली गुफा में, जो पाताली गुफाएं हैं इनमें मैं खो जाना चाहता हूं। और
यहाँ पर धुएं के बादलों में बिल्कुल लापता हो जाना चाहता हूँ, अर्थात मैं अब इस उजाले में नहीं रह सकता हूँ, तो यहाँ पर अब कभी अपने अस्तित्व को पूरी तरह से मिटा देना चाहते हैं, अपने इस अस्तित्व को। और वो कहते हैं मैं घने अंधेरों में खो जाना चाहता हूँ, क्योंकि ये जो उनका अस्तित्व है ये पूरी तरह से उनकी प्रिया से, उनकी प्रिय से प्रभावित है। और इस पंक्ति में कहते हैं तुम मुझे दंड दो, सजा दो, ताकि मैं भूल जाऊं तुम्हें और पाताल की बनी अंदर गुफाओं में, अंधेरी गुफाओं में, अंधेरे बिलों में, जहां धुएं के काले बादल छाए हों, ऐसे घने अंधेरों में मैं खो जाना चाहता हूं और तुम्हें मिटाकर मैं अपने इस अस्तित्व को मिटा देना चाहता हूं। लेकिन फिर क्या कहते हैं, इसीलिए लापता कि वहां भी तो तुम्हारा ही सहारा है, इसीलिए कि जो कुछ मेरा है या मेरा जो होता सा लगता है, होता सा संभव है, सभी वह तुम्हारे कारण के कार्यों का घेरा है, कार्यों का वैभव है। अब तक जो जिंदगी में जो कुछ था, जो कुछ है, सहर्ष स्वीकारा है। तो कभी यहाँ पर कहते हैं, अब यहाँ पर उनको एक विडंबना भी सताती है कि मेरे जीवन में तुम्हें तुम्हारा ही सहारा मिलेगा, अर्थात उनकी जो प्रिय है वो हर पल हर क्षण, चाहे वो कहीं भी रहे, वो उनके साथ है। और इसीलिए कवि कहते हैं कि वो कितना भी प्रयास कर ले, उससे अलग नहीं हो सकते, उससे अपने आप को अलग नहीं कर सकते। और कहते हैं कि मैंने अपनी जिंदगी में, यहाँ पर कवि कहते हैं कि मैंने अपनी जिंदगी में जो कुछ भी सुंदर या अच्छे काम किए हैं, जो कुछ भी मैंने अच्छे या सुंदर काम किए हैं, वो सब काम, या फिर मैंने जो कुछ भी पाया है, उनकी जो प्रेरणा है, उनको पाने की जो प्रेरणा है, उनको करने का जो कारण है, वो भी तुम ही हो। और जिंदगी में जो कुछ भी था, जो कुछ भी है, मैंने उसे सहर्ष स्वीकारा है। मेरे पास कार्यों का जो भी वैभव है, अर्थात जो सुख अभी तक मैंने अपने कामों से पाया है, कार्यों का जो घेरा है, अर्थात जो कुछ भी मैंने अपने जीवन में किया है, वो सब तुम्हारे कारण ही है। इसीलिए जो कुछ भी है वो तुम्हें प्यारा है, यानी तुमने जो मेरी कमियां हैं, मेरी खूबियां हैं, उनको, उनके साथ मुझे स्वीकारा है, मेरे हर दुख सुख को, अर्थात जिंदगी में जो कुछ भी था, जो कुछ भी है, अर्थात हर दुख सुख को मेरे साथ स्वीकारा है, मेरे जीवन के सारे उतार चढ़ावों में मेरा साथ दिया है, इसीलिए यह सब अब भी मुझे प्यारा है, इसीलिए सब मुझे स्वीकारा है। तो कवि कहते हैं इसलिए जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है, अर्थात तुमने सारी चीजों को मेरे साथ बिल्कुल जैसे मुझे स्वीकारा है, वैसे ही मेरी चीजों को भी स्वीकारा है तुमने। तो यहाँ पर जो पंक्तियां दी गई हैं, इनमें दंड दो में अनुप्रास अलंकार है, लापता कि वहां भी तो तुम्हारा ही सहारा है, इसमें विरोधाभास अलंकार है। और आगे की जो कुछ पंक्तियां हैं, जैसे दुख सुख, ये सारी सारे जो शब्द है, कारण के कार्यों, सहर्ष स्वीकारा है, होता सा, कारण के कार्यों, तो इसमें आपका यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है, सहर्ष स्वीकारा, इसमें भी आपका अनुप्रास अलंकार है, और होता सा जो शब्द है, इसमें आपका उपमा अलंकार है, अर्थात उपमा दी गई है किसी भी चीज की, किसी भी बात की। अब कुछ यहाँ पर आपके अभ्यास के प्रश्न है, आपके पाठ से लिए गए प्रश्न है, क्योंकि ये जो पाठ है ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से। तो आपने पाठ का भावार्थ अच्छे से जान लिया है, समझ लिया है, अब पाठ से जुड़े हुए कुछ प्रश्न है, इन्हें फटाफट से कर लेते हैं। कविता के साथ, अर्थात कविता से लिए गए टिप्पणी कीजिए, कुछ शब्द यहाँ पर दिए गए हैं, इन पर आपको अपने विचार लिखने हैं, जैसे गर्बीली गरीबी, भीतर की सरिता, बहलाती सहलाती आत्मीयता और ममता के बादल, इस तरह के शब्द यहाँ पर कुछ कविता में आए हुए हैं।
गर्भीली गरीबी, यहाँ पर जो गर्भीली गरीबी शब्द है, बार बार मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूं कि कवि ने गरीब होते हुए भी स्वाभिमान का परिचय दिया है, अर्थात वो अपनी गरीबी से हीनता या ग्लानि की अनुभूति उन्हें नहीं होती, वो नहीं सोचते, क्योंकि उनकी जो गरीबी है वो उसमें इसीलिए खुश है क्योंकि उन्होंने कभी भी किसी का बुरा नहीं किया है, जो कुछ भी उनके पास अभी है वो उनके अच्छे कामों की वजह से है, चाहे फिर वो गरीबी का ही जीवन क्यों ना जी रहे हो, उसमें उन्हें सुख है, उसमें उन्हें संतोष है, उन्होंने अपनी गरीबी को खुशी खुशी स्वीकार किया है, क्योंकि जो भी उन्हें मिला है इस संसार से, इस जीवन में उन्होंने हर चीज को खुशी से स्वीकारना सीखा है, हर्ष के साथ स्वीकारना सीखा है, तो इसीलिए कवि गरीब ना गरीब होते हुए भी अपने स्वाभिमान का परिचय देते हैं और अपनी गरीबी और गरीबी से हीनता या ग्लानि की अनुभूति उन्हें नहीं होती और वो स्वयं पे गर्व करते हैं भले ही वो गरीब ही क्यों ना हो, इसीलिए इस शब्द का यहाँ पर प्रयोग किया है। तो इसमें आप ये सारी चीजें लिख सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, भीतर की सरिता, इसका अर्थ है अंतकरण में बहने वाली जो भावना है, अर्थात भीतर की सरिता जो हमारे मन में भावनाएं हिलोरे ले रही है, हमारे मन में जो भावनाएं आ रही है, क्योंकि कवि के मन में असंख्य कोमल भावनाएं हैं और उन्हीं भावनाओं को उन्होंने भीतर की सरिता कहा है। जिस तरह नदी में पानी के बहाव के कारण पानी का बहाव निरंतर बना रहता है, इसी तरह कवि के मन में भी इन कोमल, ये जो कोमल भाव है ये निरंतर बने हुए रहते हैं। अगला शब्द है बहलाती सहलाती आत्मीयता। तो ये जो शब्द है बहलाती सहलाती आत्मीयता, तो ये किसी व्यक्ति के साथ बहुत जब अपनापन होता है तो मनुष्य को अद्भुत सुख शांति मिलती है। जो भी हमारे लिए हमारा प्रिय व्यक्ति होता है तो उसके पास होने से, उसके साथ होने से हमें हमेशा अद्भुत सुख और शांति मिलती है। तो क्योंकि कवि जो है वो अपनी प्रियतमा को अपनापन, प्रेम पूर्ण व्यवहार, जो उनकी प्रियतमा है उनका व्यवहार हर समय कवि के लिए अपनेपन का रहा है, प्रेम पूर्ण रहा है और समझने वाला रहा है कि वो हर परिस्थिति में उन्होंने कवि को स्वीकार किया है, हर स्थिति में उन्होंने कवि को स्वीकार किया है, अर्थात उनका जो प्रेम है कवि के लिए हर समय बना हुआ है, उनकी जो आत्मीयता है वो कवि के लिए हर परिस्थिति में एक समान है। तो इसीलिए यहाँ पर ये जो बहलाती सहलाती आत्मीयता है ये कवि के कष्टों को कम करती है, इसीलिए इस शब्द का प्रयोग किया गया है। ममता के बादल, ममता के बादल का अर्थ है अपनत्व या स्नेह। ममता यानी कि प्रेम का बादल जो है, जिसके साथ हमें अपनत्व होता है उस पर हम सब कुछ न्योछावर कर देते हैं, और कवि की जो प्रियतमा है क्योंकि वो कवि से अत्यंत स्नेह करती है और अपना सब कुछ न्योछावर उन्होंने कवि के लिए कर दिया है, वो कवि के साथ हर परिस्थिति में, हर सिचुएशन में, हर सुख में, हर दुख में, हर परिस्थिति में वो कवि के साथ ही रहना चाहती है, और इस चीज से उनके स्नेह ने कवि को अंदर तक भिगा दिया है, अर्थात पूर्ण रूप से कवि भी उनके स्नेह में डूबे हुए हैं। तो इसीलिए यहाँ पर ममता के बादल इन शब्दों को कहा गया है। अगला प्रश्न है, इस कविता में और भी टिप्पणी योग्य पद प्रयोग किए गए हैं, तो ऐसे किसी एक पद का प्रयोग अपनी ओर से उल्लेख करके उस पर टिप्पणी कीजिए। तो इस कविता में बहुत सारे इस तरह के पद प्रयोग किए गए हैं जिन पर हम टिप्पणी कर सकते हैं, हम बात कर सकते हैं, हम कुछ शब्द लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि आपकी पाठ्य पुस्तिका में इस कविता में बहुत सारे शब्द आए हैं, जैसे कि यहाँ पर ही एक शब्द आप देख रहे होंगे भर भर शब्द लिखा हुआ है, या और भी शब्द आपकी कविता में है। तो ये प्रश्न जो है ये आपके लिए है, इसको आप सॉल्व करेंगे, आप खुद से कोई शब्द छाटेंगे और उस पर इसी तरह की टिप्पणी करेंगे। व्याख्या कीजिए, अब आपको इस पैराग्राफ की व्याख्या करनी है, अर्थात आपको
पहले भावार्थ बताना है, पहले प्रसंग के बारे में बताना है, फिर भावार्थ के बारे में बताना है, फिर काव्य सौंदर्य आपको इसका लिखना है। तो ये भी आपका होमवर्क है। बहुत अच्छे से आप लोगों को समझाने का प्रयास किया है, बताने का प्रयास किया है। आप कोशिश कीजिए, अगर फिर भी कोई समस्या आती है तो आप मुझे बताएंगे और मैं उसका सॉल्यूशन करूंगी। उपयुक्त पंक्तियों में व्याख्या करते हुए यह बताइए कि यहाँ चांद की तरह आत्मा पर झुका हुआ चेहरा भूलकर अंधकार अमावस्या में नहाने की बात क्यों की है। तो इस बात की आपको व्याख्या करनी है इस पैराग्राफ को पढ़कर। आगे बढ़ते हैं। कविता के आसपास के कुछ प्रश्न हैं। अतिशय मोह भी क्या त्रास का कारक है? माँ का दूध छूटने का कष्ट जैसे एक जरूरी कष्ट है, वैसे ही कुछ और जरूरी कष्टों की सूची बनाइए। क्योंकि माँ का दूध छूटने का कष्ट, माँ का दूध, एक बच्चा जब माँ का दूध पीता है तो अच्छी, ये एक बहुत छोटे बच्चे के लिए एक बहुत जरूरी चीज है कि उसको माँ का दूध पिलाया जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन एक समय ऐसा आता है कि जब हमें माँ के दूध को छोड़ना होता है, क्योंकि हम बाहर का अनाज अब खाने लगते हैं, बाहर की चीजें अब हम खाने लगते हैं, तो ये एक जरूरी कष्ट है, आवश्यक कष्ट है कि इसको झेलना ही है हमने। लेकिन इस तरह के कुछ और भी कष्ट हमारे जीवन में है, कुछ और ऐसी चीजें हैं जिनको हमने झेलना ही है, जो हमारे जीवन में आनी ही आनी है। तो हमें अपनी जो मानसिकता है उसको उनके अनुसार ढालना है कि हाँ, मुझे जीवन में, जैसे जीवन का एक कटु सत्य है मृत्यु, जीवन का एक कटु सत्य क्या है? मृत्यु। इसको हम कभी नहीं टाल सकते, किसी भी परिस्थिति में नहीं टाल सकते। तो यहाँ पर हमें इसे स्वीकारना है कि अगर हम कभी किसी व्यक्ति की अगर मृत्यु हो जाती है तो ये स्वीकारना हमें पड़ता है कि हाँ, मृत्यु जो है जीवन का सत्य है। तो इस तरह आप इसमें बहुत सारे और भी जो सत्य हैं उन्हें आप लिख सकते हैं और उन पर अपनी राय रख सकते हैं। आगे प्रश्न है, प्रेरणा शब्द पर सोचिए, उसके महत्व पर प्रकाश डालते हुए जीवन के प्रसंग याद कीजिए। जब दादी जब माता पिता, दीदी भैया, शिक्षक या कोई महापुरुष महानारी आपके अंधेरे क्षणों में प्रकाश भर गए हो। कभी आपके जीवन में कुछ ऐसी बातें हुई होंगी जब आपके किसी प्रियजन ने आपके आपको किसी कष्ट से बाहर निकाला हो, आपकी कहीं पर मदद की हो, आपको कोई प्रेरणा दी हो, तो आप उस समय को अपने शब्दों में यहाँ पर लिख सकते हैं। और सेम बिल्कुल इसी तरह एक और शब्द यहाँ पर दिया गया है, भय। शब्द पर सोचिए, सोचिए कि मन में किन किन चीजों का भय बैठा है और उससे निपटने के लिए आप क्या कर सकते हैं। तो बच्चों, आज का जो ये हमारा चैप्टर है, सहर्ष स्वीकारा है, ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। हमने पाठ का भावार्थ भी बहुत अच्छे से समझ लिया है और पाठ से जुड़े हुए प्रश्नों के उत्तर भी लगभग हमारे कंप्लीट हो गए हैं। कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो आपने स्वयं करने हैं, खुद समझ के करने हैं, सोच के करने हैं, तो आप इन्हें करने की कोशिश कीजिए। और जैसे कि मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि आपको अगर कोई समस्या आपके किसी पाठ से है, हिंदी सब्जेक्ट के किसी भी पाठ से, चाहे वो आपकी आरोह पाठ्य पुस्तिका हो, चाहे वो आपकी वितान की पाठ्य पुस्तिका हो, और चाहे आपका हिंदी व्याकरण में कोई ऐसा टॉपिक हो जो आपको समझना है, तो आप ये सारी चीजें मुझे चैट के माध्यम से बता सकते हैं। मैं आपकी सारी समस्याओं को समाधान करने की यहाँ पर कोशिश करूंगी। तो आज का सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है। मिलेंगे नए सेशन में एक नए पाठ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।